टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी का हुआ ऐलान। पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी को देखकर थरथर कांप रही है विरोधी टीमें। जी हां दोस्तों, आखिरकार टी20 विश्व कप 2024 के लिए कैसी है पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी, जिसे देखकर थरथर कांप रही है बाकी की टीमें। बताएंगे आपको पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में टी20 विश्व कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जहां 2 जून से टी20 विश्व कप के मुकाबले खेले जाने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर टीमों ने टी20 विश्व कप के शुरू होने से पहले कुछ वार्म अप मुकाबले खेले, लेकिन पाकिस्तान की टीम को एक भी वार्म अप मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम अब वहां पहुंचकर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को अपना पहला मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेलना है, और ये मुकाबला पाकिस्तान की टीम यूएसए के खिलाफ गुरुवार 6 जून को खेलेगी, और इसी मुकाबले से पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप का आगाज करेगी। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी का नाम भी सामने आ चुका है, जिसे सुनने के बाद अब बाकी की टीमों में खौफ का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और फखर जमां ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। फखर जमां और बाबर आजम टीम पाकिस्तान को पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। ये वही ओपनिंग जोड़ी है जिसने साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को कई मौकों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाई है। दोस्तों, आप भी पाकिस्तान की किस ओपनिंग जोड़ी को बेहतर मानते हैं, बाबर आजम फखर जमा या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।